शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे, तो मुझे अच्छे से याद आता है। बाबा ने कहा, बच्चे कर्म योग है, योगी बन करके कर्म करेंगे, कोई कर्म छोटा नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है, हर कर्म श्रेष्ठ होता है। जैसी स्थिति होगी वैसी व्रती मन सब बन जाएगा। ऐसे मेरे को पता है कि एक बार बाबा मसाला कूट रहे थे और कुंज दादी उस समय किसी को समझा रही थी। पांडव भवन के आगे एक छोटा टेंट लगा था, उसी में विजिटर बैठते थे। उसने भी बोला, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। बाबा कहते, बच्ची यहीं भेज दो। कहे, बाबा वो इतना बड़ा आदमी है, VIP है, वो क्या देखेगा कि इनका बाबा जिसका दर्शन करते वो मसाला कूट रहा है। बाबा ने कही, नहीं बच्ची मैं यहीं मिलूंगा। और जब वो गया तो उसको भी वही साक्षात्कार हुआ। तो इसलिए बाबा ने कर्म करते हुए कर्मयोगी बन के करेंगे तो हमेशा अपना जो है साक्षात्कार करा सकते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा ने हमको पाला, सिखाया, और बाबा के हर बात से मेरे लाइफ में परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन हमारा जो है पूरे जीवन के लिए हो गया। ओम शांति।